हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं, इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं राइट नाउ, वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे हो तभी सबसे रेजोनेट होगी एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के हैं। अगर एनर्जी सबसे मैच करती है दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ओल्ड जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सियाराम। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स है भाई, नंबर सेवन, जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो नंबर थ्री एंड मार्च मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सो लेट मी चेक, ये सेवन ऑफ वॉन्ड्स क्या है भाई? ये दीवार खड़ी कर रहे हैं या इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? देखते हैं। वैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है ये दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यूनियन का कार्ड है। वाह, क्या कहा था, प्यार बहुत आ रहा है, बहुत मिसिंग एनर्जी भाई, बहुत ज़्यादा। सिक्स ऑफ कप्स नंबर सिक्स एंड जून मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सो आपके पर्सन आपको बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और जैसे जैसे मिस कर रहे हैं वैसे वैसे इनका प्यार आपके टूवर्ड्स बढ़ते जा रहा है, जिस पे इनका कंट्रोल नहीं है। अभी ये सोचते हैं कि अभी कोई फ़ायदा नहीं है खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल करने का, अभी ये जो भी दीवार है इसको तोड़ना पड़ेगा, मुझे यूनियन में आना पड़ेगा। अभी आपके पर्सन ने डिसाइड कर लिया है कि मुझे यूनियन चाहिए एट एनी कॉस्ट, नो मैटर कैसे होगा। चाहे प्लान तो इन्होंने भी मतलब जैसे नहीं कर रखा है कि भाई होगा या नहीं होगा, कुछ प्लानिंग तो मुझे एज ऑफ नाउ तो दिखी नहीं है, लेकिन हाँ सोच तो लिया कि भाई मेरे को यूनियन चाहिए, मेरे को चाहिए। वो रील नहीं थी, टैक्सी, मेरे को गाड़ी चाहिए, तो वही है। अच्छा जी, फाइव ऑफ सॉट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नंबर फाइव अगेन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। भाई ये आर्ग्यूमेंट्स किसके साथ हो रहे हैं? लेट मी चेक, थर्ड पार्टी है या आप लोगों? यहाँ पे ट्वाइस आया फाइव, दैट मीन्स चेंज आ रहा है भाई आपके इस कनेक्शन में। पॉजिटिव चेंज एक्सपेक्ट करें, एक मेजर चेंज आने वाला है इस कनेक्शन में। ओके, सो आपको पॉजिटिव रहना है और रेडी भी रहना है, क्योंकि अक्सर चेंज इजी नहीं होते। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। सो गाइज, जहाँ तक मैं पिक कर पा रही हूँ, ये आपके जो पर्सन है ना, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, राइट? आप क्वीन हो, पेंटिकल्स की क्वीन हो, लेकिन ये आपको एक दो कॉइन और देके आपकी तरफ, अपनी तरफ करना चाहते हैं, एक दो कॉइन्स और देना चाहते हैं और फिर आपको अपनी तरफ करना चाहते हैं। ये स्निकी बिहेवियर है इनका। आई डोंट नो ये कौन सा, इनके दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है, कौन सी मैगी बन रही है, लेकिन हाँ ये इंसान इस कनेक्शन में आपको कुछ ऐसा शो कर सकते हैं जहाँ ये कुछ एफर्ट डालेंगे, राइट? लेकिन ये एफर्ट, अगेन मैं बता दूँ, प्लीज़ बी केयरफुल, ये जो एफर्ट डाले जा रहे हैं ऐसा समझो कि कबूतरों को दाने डाले जा रहे हैं। कबूतर है ना, कबूतर, पिजन क्या होते हैं? यूनिवर्स के एक साइन होता है ना, यूनिवर्स की तरफ से बहुत ब्यूटीफुल साइन होता है जब कबूतर दिखते हैं। तो आप लोगों को दाना डालने का प्लान बनाया जा रहा है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि जो ऑलरेडी क्वीन है पेंटिकल्स की, वो एक दो पेंटिकल्स के लिए क्या झुकेगी क्या? नहीं, हमारी पुष्पकली और हमारी ये जो पुष्प आप लोग जो हो, झुकना नहीं है एक दो पेंटिकल्स के लिए, बिल्कुल नहीं। आपके पर्सन एक दो पेंटिकल्स ही लेके आ रहे हैं, आप ऑलरेडी क्वीन है पेंटिकल्स की, डोंट फॉरगेट। कार्ड्स देखिए, फाइव ऑफ सोर्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स, दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट्स, ये कुछ ऐसा करेंगे आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स, मतलब भाई मैं सही हूँ, मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, देखो मैंने बहुत कुछ किया है इस कनेक्शन में, तुमने क्या किया? सो ये कहीं ना कहीं आप पर ब्लेम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आर्ग्यूमेंट्स अगर बचना है तो देख लियो अपने हिसाब से क्या करना आपको क्या नहीं, वो आगे मैं बता दूंगी, सजेस्ट कर दूंगी। सो एज ऑफ नाउ थ्री ऑफ वॉन्स, ओके भाई, प्लान का कार्ड आ गया, अभी प्लानिंग कर रहे हैं कैसे आपकी तरफ बढ़ा जाए, कैसे आपकी तरफ आया जाए। यहाँ पे स्टॉकिंग की एनर्जी मिली है, आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। अरे दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा है इनके, खिचड़ी मैगी नहीं रायता भी बन रहा है, क्योंकि ये जो प्लानिंग है ये दूर की प्लानिंग है, मतलब आगे तक का स्टेप ये सोच रहे हैं कि अगर मैं ये स्टेप लूँगा और मेरे पर्सन ने मुझे ये कहा तो मैं ये कह दूंगा, अगर उसने ये बोला तो मैं उसको वो बोल दूंगा, मतलब बहुत कुछ डीप डाउन प्लानिंग चल रही है भाई। और यहाँ पे पेन में बहुत है ये, और 24/7 आप इनके माइंड में चलते हैं, और जब जब आप इनके माइंड में चलते हैं तब तक ये इंसान पेन में जाता है। पेन में इसलिए जाता है क्योंकि इंसान आपसे ट्रिगर होता है। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड बता रहा है कि ना चाहते हुए भी आपका जादू चल गया इन पे। सो ना चाहते हुए भी ये इंसान आपको सोचे बिना नहीं रह सकता।
जो आपको कभी कभी ज़्यादा ही बाबू शोना की याद आती है ना, कभी कभी मन करता है भी बाबू शोना की लाड कर लूँ, तो वो इसलिए होता है क्योंकि ये क्या है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं। जितना जादू आपने इन पर डाला है उससे ज़्यादा जादू ये आप पर डाल रहे हैं। आपको फील भी होता होगा अगेन, भाई यूनियन से तो कोई नहीं रोक सकता, यूनियन तो होगा फॉर श्योर। कन्फर्मेशन अगेन, थ्री ऑफ कप्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, दैट मीन्स आप भी वही चाहते हैं। आप तो जैसे वेट कर रहे हैं कि कब यूनियन हो, भले ही एस चेज करना अलग बात है, ठीक है, आप चेज करना आपने बंद कर दिया, आप सिर्फ वेट कर रहे हैं कि भाई कभी तो सही टाइम आएगा, कभी तो इसको अकल आएगी। तो देखिए, अकल का तो पता नहीं, लेकिन ये ज़रूर आ रहे हैं, चाहे बिना अकल के आए लेकिन आ ज़रूर रहे हैं। सो यहाँ पर आपके लिए क्या सजेशन है, वो सिर्फ इतना है कि विदाउट एनी कमिटमेंट, आई डोंट थिंक सो कि आपको इस कनेक्शन को कंटिन्यू करना चाहिए। नो, दूर से ही जय राम जी की बोल दीजिएगा प्लीज़। ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ गई अभी बात, है ना। मैं आपको भड़का रही हूँ, मैं आपके कान भर रही हूँ, मैं आपका ब्रेन वॉश कर रही हूँ। क्यों, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश कर सकती है, मैं नहीं कर सकती आपका? और मैं तो फिर भी अच्छे वे में कर रही हूँ, बड़े आए और आप लोग मान भी गए, मैं बोले जा रही हूँ और आप चुपचाप सुन रहे हो। मैं कोई ब्रेन वॉश नहीं कर रही, बच्चे नहीं हो आप समझदार हो, आपको सब समझ में आता है कि मैं कब आपको गलत गाइड कर रही हूँ, कब सही गाइड कर रही हूँ, राइट। यहाँ पे देखिए जस्टिस का कार्ड है, लेट मी चेक ये जस्टिस क्या है भाई। टू ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिटी नहीं है इनको, ये अंधे बने बैठे हैं। ये क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्स, जस्टिस, ये देखिए कार्ड्स देखिए कैसे रिपीट हुए हैं ना, क्वीन ऑफ कप्स एंड जस्टिस। देखिए आपकी पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ क्योंकि इनको पता है कि आप इनका वेट कर रहे हैं। इन्होंने एक डिसीजन लिया है कि इनको अभी आपको जस्टिस देना है, लेकिन ये जस्टिस भी तोल के देने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि ये पहले देखेंगे कि भाई आप जस्टिस देने लायक अभी बन गए हो क्या, मतलब अगर आप इनको सॉर्ट दिखाओगे, अगर आप गुस्से में बात करोगे तो ये कोई जस्टिस नहीं देंगे, और अगर आप इनको बाबू शरणा करके एक्सेप्ट कर लेंगे ईजिली एक छोटे से ऑफर के साथ, तो फिर ये आपको जस्टिस क्या देंगे, आपसे कांटेक्ट कर लिया है, ये छोटी बात है क्या, ये वाला जस्टिस होगा फिर इनका, तो देख लीजिए। यहाँ पे है द वर्ल्ड, टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे क्लियरली बता रहा था कि ये कंफ्यूज है गाइज, ये थर्ड पार्टी को साथ में लेके आ रहे हैं। अगेन मैं बता दूँ, ठीक है, वर्ल्ड का कार्ड बताता है एंड टेन ऑफ कप्स का कार्ड क्लियरली बता रहा है आप इनकी दुनिया हो, आप इनका वर्ल्ड हो, लेकिन ये इस वर्ल्ड में थर्ड पार्टी को भी लेके आ रहे हैं मुफ्त का। और यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि आपको थर्ड पार्टी के साथ अपने पार्टनर चाहिए या सिर्फ अपने पार्टनर चाहिए। अगर अपने पार्टनर चाहिए तो थोड़ा और वेट कर लीजिए, रिकंसिलिएशन के चांसेस हैं, लेकिन उस रिकंसिलिएशन का क्या फ़ायदा जहां ये इंसान आपके साथ परमानेंट यूनियन में तो आ रहा है लेकिन साथ में थर्ड पार्टी भी आ रही है, क्या करेंगे थर्ड पार्टी का हम। ये आपको समझने की ज़रूरत है, अगर आते हैं वेलकम कीजिए, लेकिन पहले पूछ लीजिएगा कि भाई कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो या फिर वैसे ही ऑन एंड ऑफ करना है या वैसे ही थर्ड पार्टी के साथ मेरा भी दिमाग ख़राब करना है, तो देख लेना अभी आप अपने हिसाब से देख लेना। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ इस इंसान पर फुल्ली ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते आप। अभी कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपकी बाबू शोना के, आपकी जान के, और क्या आपके प्राणनाथ के, आपके ओके अरे श्रीदेवी के, देखते हैं महबूबा के। हाँ, ये जो भी थर्ड पार्टी है इनके कार में गए, इनके फैमिली हो सकते हैं या फिर ये मैरिड हो सकते हैं, आपको बहुत याद करते हैं भाई, ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं क्योंकि आपके साथ सोल का कनेक्शन है उनके साथ कार्मिक। सो नेक्स्ट वी हैव डोंट ब्लेम मी, अच्छा इसलिए ये आपको ब्लेम करने आ रहे हैं, आपने कभी इनको ब्लेम किया होगा अभी आपको ब्लेम करने आ रहे हैं विद प्रूफ, एक्सप्रेस योर सेल्फ। सो आपको खुद को एक्सप्रेस करना है जहाँ आपकी गलती नहीं है, नहीं एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करना है, नो क्लियरली बोलना है ना ना, यहाँ मैं रॉन्ग नहीं हूँ, यहाँ मैं कल भी सही थी आज भी सही हूँ। लीगल मैटर, सो आपके पर्सन लीगल मैटर में फंसे हुए हो सकते हैं या फिर ये कोई लीगल मैटर करने के बारे में सोच रहे हैं, तभी मैंने कहा था ना फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर सकते। आई एम गोइंग क्रेजी, आपके पर्सन पागल हो रहे हैं, इस डिस्टेंस से पागल हो रहे हैं, लेकिन ये पागलपंती तब तक रहेगी जब तक आप कनेक्ट नहीं हो जाते। जैसे ही कनेक्ट हुए
ये अपनी सही दशा में आ जाएंगे, सही मनोदशा में आ जाएंगे, और फिर क्या, फिर थर्ड पार्टी इनको प्यारी लगेगी, फिर भाग के थर्ड पार्टी के पास जाएंगे। इससे अच्छा है ना कि कमिटमेंट के साथ अगर आते हैं, थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी को क्लोजर दे के आ रहे हैं तो ही आने दीजिए, अदरवाइज़ नहीं। यहाँ पे आपको क्या करने की ज़रूरत है, फोर ऑफ पेंटिकल्स विद ओके जजमेंट। सो देखिए गाइस, आप एक बहुत ही टफ जर्नी से गुजरे हैं, एक टफ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, एक रियलाइजेशन से गुजरे हैं, जहां आपने रियलाइज किया है कि फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को देनी चाहिए, अपने गोल्स को सेल्फ लव करना चाहिए। आपने वैसा किया भी, अभी आप गोल ओरिएंटेड हो रखे हैं, आपका एक गोल है अपनी लाइफ का, तो आपको उसी पर फोकस रहना है। सो अपने गोल पर ध्यान दीजिए, ये अगर टाइम निकल गया तो फिर वापस नहीं आएगा, और आपके पार्टनर तो आएंगे, वो तो धक्के खा के इधर ही आने हैं, क्योंकि सोल का कनेक्शन है। ये नहीं आएंगे, यूनिवर्स लेके आएंगे, इतना ट्रस्ट आपको अपने यूनिवर्स पे होना चाहिए। सो अपने गोल पे फोकस करें और अपने लेसन्स को ना भूलें, जो भी पास्ट में आपने लेसन लिए हैं इस कनेक्शन में, जितनी ठोकरें खाई हैं, तो उनको मत भूलिए। ये वही बाबू है, ये वही सोना है जिसने पास्ट में आपका उस वक्त साथ छोड़ा था जब आपको इनकी बहुत ज़रूरत थी। डोंट फॉरगेट, ओके। सो गाइस, ये थी छोटी सी रीडिंग, होप आप सब रेजोनेट की है। रेजोनेट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, जय सिया राम।